4000 केसेस आप बुक कर रहे हैं, अब सीएम बोल रहे 8000 केसेस। अच्छा, जिसको आप जेल को भिजा रहे हो, वो जो शादी हो गई उसका कौन देखभाल करेंगे? सीएम करेंगे क्या? ये आसाम में बीजेपी की सरकार जो है एक बायस सरकार है मुस्लिम्स के लिए। देखिए, 6 साल से तो आसाम में बीजेपी की हुकूमत है। 6 साल से आप क्या कर रहे हैं? 6 साल से आपका फेलियर है ये। और दूसरी बात ये है कि आप कितने स्कूल खोले, आप स्कूल ही नहीं खोलते। आप मदरसों को तोड़कर, या तो इलीगल बोल के तोड़ देते उसको, या मदरसों को स्कूल बनाए। आप कितने नए स्कूल्स बनाए, इम्पोर्टेंट ये मसला है। और 4000 केसेस आप बुक कर रहे हैं, अब सीएम बोल रहे 8000 केसेस। अच्छा, जिसको आप जेल को भिजा रहे हो, वो जो शादी हो गई उसका कौन देखभाल करेंगे? सीएम करेंगे क्या? उनका देखभाल कौन करेगा? उस बच्ची का देखभाल कौन करेगा? शादी तो ख़त्म नहीं होती, वो शादी तो रहेंगी, उनका देखभाल कौन करेंगे? स्टेट करेंगे क्या? 6 साल से आपकी सरकार है, फेलियर ऑफ द स्टेट है ये। ऊपर से आप और एक उन पे मुश्किलात के पहाड़ उन पे आप डाल दे रहे पूरा। देखिए, जो शादी हो चुकी है उस लड़की का क्या करेंगे? बाप क्या करेंगे? लड़की को आप कौन देखभाल करेगा उसका, चाहे किसी समुदाय के हो, कौन देखभाल करे? 6 साल से तो आपकी सरकार है ना। आप 4000 केसेस बुक कर लिए, अभी और 4000 करने का आप बोल रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? फिर कौन देखेगा उसको, उस बच्ची को कौन देखेगा? और स्कूल क्यों नहीं खोलते आप? नया स्कूल क्यों नहीं खोल रहे आप? नया स्कूल खोलिए, कौन रोक रहा आपको? ये आसाम में बीजेपी की सरकार जो है एक बायस सरकार है मुस्लिम्स के लिए। अपर आसाम में इन्होंने लैंडलेस लोगों को लैंड पट्टा दिया, लोअर आसाम में क्यों नहीं दे रहे भैया? दीजिए ना लोअर आसाम में, आप एविक कर दे रहे हजारों की तादाद में लोगों को। देखिए, 6 साल से तो आसाम में बीजेपी की हुकूमत है। 6 साल से आप क्या कर रहे हैं? 6 साल से आपका फेलियर है ये। और दूसरी बात ये है कि आप कितने स्कूल खोले, आप स्कूल ही नहीं खोलते। आप मदरसों को तोड़कर, या तो इलीगल बोल के तोड़ देते उसको, या मदरसों को स्कूल बनाए। आप कितने नए स्कूल्स बनाए, इम्पोर्टेंट ये मसला है। और 4000 केसेस आप बुक कर रहे हैं, अब सीएम बोल रहे 8000 केसेस। अच्छा, जिसको आप जेल को भिजा रहे हो, वो जो शादी हो गई उसका कौन देखभाल करेंगे? सीएम करेंगे क्या? उनका देखभाल कौन करेगा? उस बच्ची का देखभाल कौन करेगा? शादी तो ख़त्म नहीं होती, वो शादी तो रहेंगी, उनका देखभाल कौन करेंगे? स्टेट करेंगे क्या? 6 साल से आपकी सरकार है, फेलियर ऑफ द स्टेट है ये। ऊपर से आप और एक उन पे मुश्किलात के पहाड़ उन पे आप डाल दे रहे पूरा। देखिए, जो शादी हो चुकी है उस लड़की का क्या करेंगे? बाप क्या करेंगे? लड़की को आप कौन देखभाल करेगा उसका, चाहे किसी समुदाय के हो, कौन देखभाल करे? 6 साल से तो आपकी सरकार है ना। आप 4000 केसेस बुक कर लिए, अभी और 4000 करने का आप बोल रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? फिर कौन देखेगा उसको, उस बच्ची को कौन देखेगा? और स्कूल क्यों नहीं खोलते आप? नया स्कूल क्यों नहीं खोल रहे आप? नया स्कूल खोलिए, कौन रोक रहा है आपको? ये आसाम में बीजेपी की सरकार जो है एक बायस सरकार है मुस्लिम्स के लिए। अपर आसाम में इन्होंने लैंडलेस लोगों को लैंड पट्टा दिया, लोअर आसाम में क्यों नहीं दे रहे भैया? दीजिए ना लोअर आसाम में, आप एविक कर दे रहे हजारों की तादाद में लोगों को।